सो वेलकम टू अनदर मॉड्यूल जहां पे ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 3 है, क्योंकि हमने इससे पहले बहुत सारे डैक्स, अलग अलग लॉजिकल हो गया, फंक्शनल हो गया, राइट, टाइम इंटेलिजेंस हो गया, सारे के सारे एग्रीगेटिव, सारे के सारे हमने डैक्स सीखे। तो अब हम जो प्रोजेक्ट करने वाले ना, जिसके अंदर डैक्स के यूसेज है, राइट, ये प्रोजेक्ट के बाद और एक एडवांस लेवल का कंसेप्ट रहेगा डैक्स का, जिसमें आपको 10 वीडियोस आगे देखने को मिलेंगे, तो वो भी आप जरूर देखना। और उसके बाद और एक एडवांस प्रोजेक्ट रहेगा, राइट। तो ये अभी का जो है आपका ये 3rd प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर में हम क्या करने वाले हैं, जो प्रोजेक्ट का नाम है आईटी स्पेंड एनालिसिस। यहाँ पे जस्ट मैं ब्रीफ दे दूं, ये बेसिकली जो एक आईटी कंपनी है जो कि अपना स्पेंड मैनेज कर रहे हैं कि इस साल का, फॉर एग्जांपल, $100 million के आसपास का उनका प्लानिंग है कि स्पेंड करने का, एंड एक्चुअली कितना स्पेंड किया उन्होंने उस साल के एंड में, $120 million किया या $90 million किया, राइट, $90 million किया, तो मतलब $10 million का उन्होंने सेविंग कर लिया, कॉस्ट कटिंग किया या जो भी किया, राइट। तो ये प्रोजेक्ट के अंदर में पूरा का पूरा सीखने मिलेगा। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम डेटा को समझेंगे, उसके बाद उस डेटा को चेक करेंगे, उसके बाद उसका डेटा मॉडलिंग देखेंगे, एंड उसके बाद रिपोर्ट बिल्डिंग उस पे जाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस इंटेलिजेंस का या बिजनेस एनालिस्ट का काम है कि पहले डेटा को अच्छे तरीके से समझो, ना कि सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करने पे आ जाओ। और उसके बाद में इसमें इतने जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आ जाइए स्क्रीन पे मेरे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक डेटा लिया है, आईटी स्पेंड एनालिसिस डेटा करके है। सो यहाँ पे पहले जो है, जैसे कि इसमें ये थोड़ा सा क्लीन डेटा है, मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, कुछ कुछ कभी कभी आपको अनक्लीन डेटा मिलता है, लेकिन फिलहाल हम क्लीन डेटा पे काम कर रहे हैं। और क्लीन कैसे करते हैं, स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक बड़ा प्रोजेक्ट किया है, सर्वे डैशबोर्ड जो आपने देखा होगा, राइट। तो यहाँ पे दिया बिजनेस एरिया, ये आईटी कंपनी है, बिजनेस एरिया में एंड बिजनेस आईडी, बिजनेस यूनिट को 1 से डिनोट किया गया, सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो 2 से डिनोट किया है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव को 3 से, इंफ्रास्ट्रक्चर को 4 से, R&D को 5 से, मैन्युफैक्चरिंग को 6 एंड डिस्ट्रीब्यूशन को 7। तो ये इनके कुछ बिजनेस एरिया है जहां पे उनको आईडी दिया गया है, कि अलग अलग डिपार्टमेंट या आप कह सकते हो कॉस्ट या जो भी है उनके लिए एक अलग अलग नंबर इन्होंने एलोकेट किए गए हैं, ठीक है। यहां से हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एज अ बिजनेस आगे बढ़ते हैं और उसको चेक करते हैं। कॉस्ट एलिमेंट नेम यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है, थर्ड पार्टी मार्केटिंग डेटा, एडवर्टाइजिंग, ऑडिटिंग फीस एंड बिजनेस गिफ्ट, एंड ये सब कुछ दिया गया है, ठीक है, कॉस्ट एलिमेंट। और उसके बाद दिया है कॉस्ट एलिमेंट ग्रुप, कॉस्ट एलिमेंट सब ग्रुप, कॉस्ट एलिमेंट आईडी। अब इनको समझना जरूरी है कि ये तो चलो एक टेक्स्ट है, इनको किसी चीज से डिनोट किया गया है। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट L दबाना आपको, और उसके बाद चेक करना है। यहाँ तो आपको दिखाई देंगे कितने सारे पहले वेरिएबल्स है, पहले हम देख लेते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे 254 के आसपास एंट्रीज है, राइट। ये डिफरेंट कॉस्ट एलिमेंट है जो इसके अंदर में अवेलेबल है, जो उस कंपनी के अंदर में स्पेंड होता है, थर्ड पार्टी मार्केटिंग डेटा के ऊपर कुछ स्पेंड करते हैं, या बिजनेस गिफ्ट के ऊपर, एम्प्लॉय एक्टिविटीज, एम्प्लॉय फार्मेसी, फूड चार्जेस एंड सो ऑन, ये सब दिया गया हुआ है। आगे कॉस्ट एलिमेंट, इसको जो बाइफर्केट किया गया, थर्ड पार्टी मार्केटिंग डेटा को इन्होंने बाइफर्केट किया हुआ है अदर्स में, राइट। फिर एक बाइफर्केशन किया गया कैपेक्स, डिप्रिशिएशन, अमोर्टाइजेशन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, लेबर, अदर्स एंड शेयर्ड सर्विस। तो ये क्या है, कॉस्ट है जो इन सबको एक कॉमन में डिनोट करने के लिए, एक होता है ना मिसलिनियस की, मैंने जो खर्चा किया उसको मैं इसमें कंसिडर करता हूँ, एक अलग अलग कि आपका कहाँ कहाँ पे स्पेंड हो रहा है, पैसा कहाँ स्पेंड हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया ना, इन सारे जो 254 जो हमने देखे थे उसको कुछ कैटेगराइज कर दिया, मतलब कॉस्ट में कंसिडर किया, जिसके अंदर में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आ गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सिर्फ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव चेक करना है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो इसके अंदर में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ATL एडजस्ट, ये दो ही कॉस्ट एलिमेंट है, और उनको एक नंबर दिया गया 466, जो हम आगे समझेंगे। कुछ और देख लेते हैं, इसको हटा करके हम कैपेक्स पे आ जाते हैं। वैसे तो IT कंपनीज में ज्यादा कैपेक्स नहीं होता है, राइट। सो कैपेक्स के अंदर में क्या क्या कंसिडर किया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर चार्जेस, इंटरनल लेबर कैपेक्स, लेबर, PMO, प्रोफेशनल सर्विस, प्रोजेक्ट परचेस, राइट, ये कैपेक्स के अंदर में आ गया। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का काफी ज्यादा रहता है आईटी कंपनीज में, तो यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट दिखाया कंप्यूटर हार्डवेयर को हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में डाल दिया है, कंप्यूटर रेंटल को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में डाल दिया, फील्ड इंजीनियरिंग को डाल दिया, मैकेनिकल इक्विपमेंट को। तो ये सारे के सारे चीज है ना, उनको एक कैटेगरी में कर दिया है,
और उस कैटेगरी का भी एक सब कैटेगरी, कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो उसमें सिर्फ क्या है हार्डवेयर, उसके बाद कंप्यूटर रेंटल, एक है हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर उसके बाद कंट्रोल, तो यहाँ पे ये हार्डवेयर मेंटेनेंस, इसको फर्दर डिफाइन किया गया है ठीक है, उसके बाद मेंटेनेंस एंड रिपेयर उसको भी हार्डवेयर में डाल दिया है। फिर यहाँ पे जैसे कि प्रोडक्ट लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ का परचेज सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे हार्डवेयर नहीं लिखा है सॉफ्टवेयर लिखा है, मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दो कैटेगरी है, उसको फर्दर सब कैटेगरी में डिवाइड करके उन्होंने बता दिया कि सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है, और उसके बाद एक नंबर से डिनोट किया गया 25, मतलब हार्डवेयर या कंप्यूटर हार्डवेयर राइट, वो हम आगे समझेंगे। तो इसको मैं फिलहाल मैं फिल्टर निकाल देता हूँ यहाँ पे, तो ये चीज आपको समझा रहेगा राइट। तो हमने यहाँ पे समझा कि इनके पास टोटल 254 एलिमेंट्स है कॉस्ट के, और उसको फर्दर दो कैटेगरी सब कैटेगरी, और उसको फिर नंबरिंग किया है ताकि डायमेंशन और फैक्ट टेबल क्रिएट करने में आसानी हो। जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो जो रिलेशनशिप बिल्डिंग रहता है, तो टेक्स्ट से बिल्डिंग नहीं होगा, यहाँ से नंबर से डिफाइन करना पड़ेगा। 182 क्या है, 182 पे जाओ तो आपको मिलेगा थर्ड पार्टी मार्केटिंग डेटा में कॉस्ट खर्चा हुआ है, स्पेंड हुआ है ठीक है। आगे आते हैं, फिर दिया है कंट्री रीजन, यहाँ पे दिया है कि कौन कौन से कंट्री रीजन जहां पे स्पेंड हो रहा है इनका, अफ्रीका एशिया उसके अंदर में, ये कॉन्टिनेंट दे दिया है, कॉन्टिनेंट के बाद कंट्रीज दे दिया, और उसके बाद उस कंट्री और रीजन को एक नंबर से डिफाइन कर दिया गया है राइट। ये चीज आपको समझ गया रहेगा, जैसे हमने ये कॉस्ट एलिमेंट को देखा कि इन सबको एक नंबर से डिफाइन किया गया, उसी तरह कंट्री रीजन को भी आगे जाकर के डिफाइन किया गया। आगे जाते हैं फिर, तो यहाँ पे देखते हैं डेट, देखिए आपका डेट है यहाँ पे दिया गया है, ईयर कौन सा है इसमें से 2011 है, पीरियड कौन सा है, पीरियड मतलब आपका उस साल का पहला महीना है, दूसरा महीना है, तीसरा महीना है, वो भी यहाँ पे आई थिंक दे दिया गया है, आप देखोगे। उसके बाद दिया है मंथ कौन सा है, जनवरी फरवरी, तो यहाँ से ये उठा लिया है ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ से क्लियर होता है। फिर डिपार्टमेंट दिया गया है यहाँ पे, डिपार्टमेंट मतलब उस डिपार्टमेंट के जितने टोटल बीयू थे, फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था, फिर अलग अलग टोटल जो बिजनेस यूनिट थे, टोटल 7 डिपार्टमेंट थे आई थिंक, तो उनके वीपी कौन कौन है राइट। तो मतलब अगर एक कंपनी के अंदर का एक डिपार्टमेंट मैं हैंडल करता हूं, तो मैं बता पाऊंगा कि मेरी उस डिपार्टमेंट का उस साल का कॉस्ट कितना होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल $50 मिलियन होने वाला है या $60 मिलियन होने वाला है, तो प्लान पहले से ही आपको 1 साल पहले देना पड़ता है कि इस साल का हमारा ये बजट होना चाहिए, हम कोशिश करेंगे उसको कम करने का। तो यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से वीपी है और वो कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, उनका डिपार्टमेंट आईडी नंबर दिया गया है ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका फैक्ट टेबल या फैक्ट डेटा, जहां पे सब कुछ एक तरह से मिक्स करते हैं और सबको वहां से आंसर्स कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे डेट है, डेट दिया गया है, वैल्यू, वैल्यू में क्या है, ये आपका अमाउंट है, मतलब कितना स्पेंड हुआ राइट, कितना ज्यादा हुआ कम हुआ उस साल में, जो भी वो हम समझेंगे। फिर डिपार्टमेंट, अब देखो यहाँ पे 277 है, तो मैं क्या करूंगा डिपार्टमेंट में यहाँ पे आकर के 277 पे अगर देखूंगा, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल कर दूंगा, तो यहाँ पे 277 हम सर्च मारते हैं, 277 ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 277 सर्च करूं, तो इसको क्या है जॉन क्लार्क मैनेज कर रहा है ठीक है, ये आपको समझा इधर पे, इसको फिलहाल अभी अनचेक कर देता हूँ, तो यहां से मालूम पड़ेगा। फिर फैक्ट के अंदर नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट एलिमेंट 155, ये 155 क्या है, तो मैं क्या करूंगा समझने के लिए इधर आऊंगा और यहाँ पे देखूंगा 155 क्या है, तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा 155, तो मुझे मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली क्या है वो डेटा, क्योंकि हमारा काम है बिजनेस एनालिस्ट, जितना डेटा को बेहतर समझ सको, बिजनेस को समझ सको, उतना बेहतर आप इनसाइट अपने क्लाइंट को जनरेट करके दे पाओगे। आउटसोर्सिंग एक कॉस्ट है इस कंपनी के लिए, एक्सपेंस जो भी है राइट, तो 155 का ही है। तो आपको यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि ये नंबर क्यों दिए गए हैं राइट, डिफाइन किया गया, जो हमने एक बार पहले आपको डिफाइन करना सिखाया था स्टार्टिंग में। उसके बाद फैक्ट में नेक्स्ट क्या है, कंट्री आईडी जो हमने दिया था आपको याद होगा, कंट्री रीजन आईडी नंबर यहाँ पे, तो यहाँ भी ये भी दिया गया है, और क्या दिया गया है यहाँ पे, बिजनेस एरिया आईडी, मतलब कौन से बिजनेस आईडी से ये बिलोंग करता है, 6 दिया है, तो 6 मतलब आप समझ जाओ क्या होगा, 6 मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एरिया से बिलोंग करता है ठीक है। उसके बाद दे दिया है आईटी सब एरिया, फिर सिनेरियो, अब सिनेरियो क्या है ना, सिनेरियो के एक अलग से इन्होंने टेबल बना के दिया हुआ ये डेटा, जिसमें सिनेरियो में एक्चुअल LE1, LE2, LE3 एंड प्लान, ऐसा एक सिनेरियो लिखा है, उसको आईडी दिया और सिनेरियो डिस्क्रिप्शन। एक्चुअल, एक्चुअल मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल हमने इस कंपनी को ₹100 का कॉस्ट पकड़ रखी, एक्चुअल हमारा इतना स्पेंट हुआ, मतलब साल के एंड में आपको मालूम पड़ेगा ना, आप प्लान करते हो फॉर एग्जाम्पल ₹120 का, कि इस साल में ₹120 खर्चा करने वाला हूँ, लेकिन एक्चुअली आपने ₹100 खर्चा किया है, तो मतलब आपने कितना सेव कर दिया उस टाइम पे कंपनी को, ऑलमोस्ट ₹20 आपका सेव हो गया, मतलब आप सोचिए मिलियंस की बात कर रहा हूँ। और उसके दौरान LE1, LE2, LE3, मतलब Q1, Q2, Q3 और फाइनल क्वार्टर में, तो आपको मालूम ही पड़ जाएगा कितना प्लान किया था और कितना एक्चुअल में स्पेंड हो गया ठीक है।
तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, जब मेरा 3 महीना चले जाता है ना, 3 महीना बीत जाता है उस कंपनी के अंदर में कॉस्ट का, उसमें से 120 का हमारा बजट रहता है उस साल में स्पेंड करने का, उसमें से एस्टिमेशन जब 3 महीना होता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमने एक्सपेक्ट किया था कि अराउंड 30 मिलियन डॉलर के आसपास खर्चा करेंगे या 30 रुपीज के आसपास खर्चा करेंगे, लेकिन ये एक्चुअल में स्पेंड हुआ हमारा 40। ठीक है, ये लेटेस्ट एस्टिमेट हमने 30 किया था कि 30 खर्चा होगा, लेकिन एक्चुअल में 40 खर्चा हो गया। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आपका वो मंथ ऑन मंथ पास होते जाएगा, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2, आपको रियलाइज होगा कि एस्टिमेशन जो स्टार्टिंग में पूरे साल का दिया गया था, लेकिन मंथ ऑन मंथ की वजह से वो जो एस्टिमेशन है ना वो चेंज होते जा रहा है, तो कितने परसेंटेज से चेंज हो रहा है ना, वो सारा का सारा हम एनालिसिस करने वाले। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर में ये फर्स्ट लेक्चर था जहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये डेटा किस चीज का है और डेटा को कैसे हमने रीड किया है और क्या हम करने वाले हैं, राइट। तो दिस वाज आवर फर्स्ट लेक्चर फ्रॉम द प्रोजेक्ट नंबर 3। सो अब स्टार्ट करते हैं डैशबोर्ड डेवलपमेंट या रिपोर्ट क्रिएट करना। जो हमने डेटा को समझा है, बिजनेस को समझा है, उससे क्या क्या हम इंसाइट जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा इंपोर्ट करेंगे, उसको समझेंगे, देखेंगे, एंड उसके बाद मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके ऊपर फ्रेम हो रहे हैं। तो डेटा कैसे अपलोड करना है, यहाँ पे जाइए, एक्सेल है हमारे पास, मैं यहां से ले लेता हूं। तो यहाँ पे मेरा डेटा कौन सा है, ये मेरा डेटा है, मैं यहां से ले लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सो ये अभी डेटा अभी अपलोड होगा, फिर हमको उसके अंदर में चेक करना पड़ेगा डेटा प्रॉपर आया है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा, सो बिजनेस एरिया, यहां से देखो डेटा आ रहा है, ये भी प्रॉपर लग रहा है। फिर डिपार्टमेंट, फैक्ट, आईटी एरिया, सिनेरियो। ठीक है, सबसे पहले मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे सारा का सारा डेटा हमारा किस में जाएगा, पावर क्वेरी में, ताकि हम डेटा देख सके ऊपर में जो ग्रीन लाइन आ रही है कि नहीं, पट्टी समझने के लिए कि डेटा सही है कि नहीं, कि उसका जो डेटा टाइप है वो डिफाइंड प्रॉपरली है कि नहीं। ठीक है, तो हम बिजनेस एरिया चेक करते हैं, तो आप देखो यहाँ पे एक ग्रीन लाइन आ रहा है, मतलब आपका प्रॉपरली डिफाइंड है, नंबर में है तो नंबर में, टेक्स्ट में है तो टेक्स्ट में, आप देख सकते हो डेटा टाइप क्या है, कॉस्ट एलिमेंट भी प्रॉपर है। ठीक है, ये भी प्रॉपर है, डेट में ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है आपका, ये भी प्रॉपर, एंड दिस इज ऑल्सो प्रॉपर, सो एवरीथिंग सीम्स फाइन। नाउ व्हाट विल डू, विल अपलोड, क्लोज एंड अप्लाई। अगर अगर सही नहीं होता तो हम उसको क्या करते, डेटा को चेंज करते थे, फिर से जहां जहां पे किसी में कॉलम ऐड करते थे, किसी में रो डिलीट करते थे, राइट, टेक्स्ट टाइप चेंज करते थे, डेट टाइप चेंज करते थे, तो हमारा वो सब प्रॉपर था, तो हम यहाँ पे उसको डायरेक्टली अपलोड कर रहे हैं। जैसे ही अपलोड करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा वो सारा का सारा जो शीट है या टेबल्स है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स वेट। सो यहाँ पे देखोगे सारे के सारे डेटा लोड हो चुके हैं, आई थिंक। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको डेटा टाइप के यहाँ पे जो फोल्डर्स है यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। अब इसके बाद डायरेक्टली हम रिपोर्ट क्रिएट करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, हमारे डेटा मॉडलिंग में, क्योंकि डेटा मॉडलिंग अगर नहीं रहेगा तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि जो आप रिलेशन जो भी इंसाइट निकालना चाहते हो वो सही है कि नहीं, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे डिम और फैक्ट टेबल काफी अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया था, तो इसके लिए मेरा मानना है कि सब प्रॉपरली कनेक्टेड रहेंगे ऑटोमेटिकली। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे वन टू मेनी रिलेशनशिप में डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट से कनेक्ट है, ये आपका फैक्ट टेबल हो गया है। ठीक है, तो ये आपका डिम टेबल हो गया, डिमेंशन है। तो यहाँ पे देखोगे बिजनेस एरिया आईडी को बिजनेस एरिया आईडी से कनेक्टेड है फैक्ट के अंदर में, क्योंकि नंबर नंबर से डिफाइन किया गया है। यहाँ पे फिर सिनेरियो में आएंगे, सिनेरियो का हम सो यहाँ पे हम सिनेरियो को चेक कर लेते हैं। तो आप देखोगे सिनेरियो का सिनेरियो आईडी से कनेक्टेड है, एंड इसका किससे कनेक्टेड है, कंट्री के कंट्री रीजन आईडी से, इसका आईटी सब एरिया से, इसका कॉस्ट एलिमेंट से, और इसका किसी से कनेक्ट नहीं है, तो एक टेबल यहाँ पे छूट गया डायमेंशन। तो ये आपको डेट से कनेक्ट करना पड़ेगा, उठा करके सीधा इसके ऊपर रख दो, कनेक्ट अपने आप हो जाएगा वन टू मेनी रिलेशनशिप का, क्योंकि अगर हम ईयर का फिल्टर लगाना चाहेंगे तब वो काम नहीं करेगा। तो आप देखोगे ये भी एक एक्चुअली हमारा कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, देखोगे तो ये ब्लिंक कर रहा है, मतलब हमारा एक कनेक्ट हो चुका है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बेसिक प्रिपरेशन पूरा कर दिया है। तो ये हमारा था बेसिक प्रिपरेशन, डेटा इंपोर्ट करना, डेटा देखना सही है कि नहीं। नाउ विल मूव टू द थर्ड लेक्चर ऑफ दिस प्रोजेक्ट।
नाउ वेलकम बैक टू थर्ड लेक्चर ऑफ प्रोजेक्ट 3। इससे पहले हमने डेटा समझा, डेटा को इंपोर्ट किया, डेटा मॉडलिंग देख लिया पूरा का पूरा। नाउ इट इज टाइम टू क्या बनाना है उस डेटा को समझने के बाद। तो मैंने ऑलरेडी बना करके रखा है और उसको मैं आपके साथ में सॉल्व करूंगा। तो मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चंस बताऊंगा, उसको कैसे सॉल्व किया गया, और उसके बाद मैं उसको सॉल्व करके आपको दूसरे इस पे दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन मेरा ये है, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं, ऑलरेडी बना हुआ है। सो यहाँ पे है कि एक्चुअल एंड प्लान, या एक्चुअल एंड बजट भी बोल सकते हो, बाय आईटी एरिया। मतलब आईटी एरिया जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, बीयू सपोर्ट है, फंक्शनल गवर्नमेंट एंड जो भी है, मतलब ए टू जेड, उसमें कितना प्लान किया गया था और कितना स्पेंड हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर में अराउंड जो प्लान था, यहाँ पे आप देखोगे एक्चुअल 50.54 में स्पेंड हुआ है, लेकिन उस कंपनी का प्लानिंग था सिर्फ और सिर्फ 46.34 मिलियन डॉलर स्पेंड करना, राइट। तो ये कैसे क्रिएट करेंगे, ये टूल टिप है, टूल टिप मैं इसमें बताऊंगा नहीं, टूल टिप आपको पता है कैसे क्रिएट करना है, एक अलग से पेज पे क्रिएट करके वो डेटा डाल दो और उसके ऊपर शो कर दो, राइट। तो हम सिर्फ समझेंगे कि ये जो चार्ट है ये कैसे प्रिपेयर किया गया, कि काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। एक्चुअल एंड प्लान, एक्चुअल में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्होंने प्लान किया था कि 46.34 मिलियन डॉलर के आसपास स्पेंड करेंगे उस साल में, पूरे साल में जो भी यहाँ पे जो डेट होगा, लेकिन उन्होंने स्पेंड किया 50.54, मतलब अपने बजट को इन्होंने एक्सीड कर दिया। तो कहाँ पे गलती हुई, राइट। तो ये अलग अलग एरिया के लिए, कभी इसके लिए देखोगे फिर इसके लिए देखेंगे, तो इससे क्या मालूम पड़ता है, प्लान 30 मिलियन डॉलर था लेकिन 32 डॉलर का एक्चुअली में खर्चा हुआ। फिर यहाँ पे फंक्शनल में देखेंगे तो यहाँ पे प्लान 21 मिलियन डॉलर का था लेकिन एक्चुअल में सिर्फ 19 मिलियन डॉलर के आसपास खर्चा किया, मतलब दे आर इफिशियंट, राइट। यहाँ से ये चीज क्लियर मालूम पड़ रहा। तो इसको कैसे बनाना है वो हम देखेंगे। तो आ जाते हैं हमारे इस स्क्रीन पे जहां पे हम क्रिएट करेंगे बेसिक से। तो आपको क्या लेना है, लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट, यहाँ पे हम ये ले लेते हैं, राइट, कि ताकि आपको समझ गया ना क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हम ये पहले बनाएंगे, यहाँ सबसे पहले हम वो प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या लेना है, सबसे पहले आईटी सब एरिया, तो यहाँ पे आपको दिखेगा आईटी एरिया था, आईटी सब एरिया ले लेंगे हम, इसको क्या करेंगे एक्स एक्सिस पे डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज था, क्या था, आपने देखा रहेगा प्लान और एक्चुअल। अगर हम डेटा व्यू में चले जाए यहाँ से, तो मैं सिनेरियो में आपको दिखा देता हूँ कि एक एक जगह लिखा था एक्चुअल एंड प्लान। अब मुझे जानना है कि एक्चुअल के लिए कितना स्पेंड हुआ था, तो मैं कैसे मुझे मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया सिनेरियो आईडी वन, ठीक है। तो ये मुझे कहाँ पे मिलेगा, फैक्ट में जाऊंगा और यहाँ पे इन्होंने देखो सिनेरियो आईडी डालेगा 1 2 3, और ये जो वैल्यूज है ना, ये मेरा एक्चुअल स्पेंड है फॉर प्लान और एक्चुअल को डिफाइन किया गया इस नंबर से। तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे कैलकुलेट हो रहा है, पीछे कैसे वो बैकएंड में प्रोसेस हो रहा है, राइट। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, सीधा डायरेक्टली बनाना चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक्चुअल कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले डैक्स लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डैक्स लिख लेते हैं कि एक्चुअल में कितना स्पेंट हुआ है और प्लान में कितना स्पेंट हुआ था, मतलब जैसे कि टोटल सेल्स अगर हम कैलकुलेट करते तो कैसे करते थे, राइट, वो लिखना है। तो मैं लिखता हूं पहले एक्चुअल, कि एक्चुअल में कितना स्पेंट हुआ है, फिर से वो कट करके फिर लिखना पड़ेगा। तो यहां पे हम फिर से राइट क्लिक कीजिए न्यू मेजर, या डायरेक्टली आप यहां से भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूं, यहां पे डायरेक्टली स्टार्ट करता हूं कैलकुलेट। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, एक्चुअल लिख देता हूं कि ताकि हमको मालूम रहे ये एक्चुअल का है, एक्चुअल, ठीक है। कैलकुलेट सम ऑफ फैक्ट वैल्यू, क्योंकि फैक्ट वैल्यू के अंदर में है, मुझे पूरा टोटल सम लेना है, फिल्टर। अब इसको कैसे मालूम पड़े कि फैक्ट वैल्यू में तो पूरा सम कर देगा ना, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल का ही टोटल अमाउंट चाहिए, बाकी किसी का नहीं चाहिए। तो टोटल को डिफाइन करने हमको किस पे जाना पड़ेगा, सिनेरियो में, क्योंकि उसको हमने नंबर देके रखा है। सिनेरियो में भी क्या, डिस्क्रिप्शन, क्योंकि उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में हमने या तो सिनेरियो आईडी ले सकते हो, लेकिन हमको वो आईडी नंबर याद करना पड़ेगा, रादर देन आईडी नंबर हम डायरेक्टली टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं। इसको कैसे करना है, ये करने के बाद आप इक्वल डालो, फिर कोलन के अंदर जैसे हम एक्सेल में लिखते हैं, यहाँ पे हम एक्चुअल का स्पेलिंग प्रॉपर होना चाहिए, नहीं होगा तो नहीं आएगा, ठीक है। हमने इसे भी कैलकुलेट किया फिलहाल एक्चुअल, सो ओवरऑल हमको पता लग जाएगा
एक्चुअल है। सिमिलरली क्या करना पड़ेगा, एक मुझे प्लान भी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, ये तो एक्चुअल में इस कंपनी ने इस साल में या जब तक का ये डेटा इतना स्पेंड किया है, लेकिन प्लान कितना किया था वो भी तो मालूम होना चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगा, यही डैक्स को कॉपी कर लूंगा कंट्रोल सी, और उसके बाद फिर से यहीं पे एक मेजर लिखूंगा, न्यू मेजर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नया मेजर लिखते हैं, इसको हम एक्चुअल के पे क्या करेंगे, प्लान भी लिख सकते हो आप चाहो तो, बजट भी लिख सकते हो, बजटेड या प्लान, राइट। फिलहाल डेटा के अंदर में प्लान लिखा था तो हम प्लान ही लिख रहे हैं ना, तो उधर हमको चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कैप्चर नहीं करेगा अगर बजट लिखेंगे, लेकिन वहां पे क्या है प्लान। तो यहाँ पे प्लान लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी क्या करते हैं हम प्लान लिख देते हैं, ठीक है। होप सो स्पेलिंग करेक्ट है, लेट्स सी, अगर नहीं रहेगा तो वो एरर दे देगा। तो आई थिंक ये करेक्ट है। अब मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले मैं एक कार्ड लेकर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कार्ड ले लेते हैं सबसे पहले, इसको कैलकुलेट करने से पहले। तो यहाँ पे मैं कार्ड ले लेता हूँ, और इस कार्ड के ऊपर क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक्चुअल डाल देते हैं। तो ये क्या है, 858 क्या, लेकिन मिलियन डॉलर की क्या, राइट। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं, तो इसको क्या करना है, आप डॉलर में इसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है। 858.48 मिलियन डॉलर का टोटल एक्चुअल में स्पेंड हुआ है कंपनी का। एंड सिमिलरली इफ आई वॉन्ट, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, एक और लगेगा हमको प्लान का, कि कंपनी ने प्लान कितना किया था वो भी तो मालूम पड़ना चाहिए, एक्चुअल में इतना स्पेंड हो गया है, पर प्लान का क्या है, लेट्स सी, 811 मिलियन डॉलर के आसपास का कंपनी ने जो प्लान था इनका, ये प्लान था लेकिन स्पेंड ज्यादा कर दिया, मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, कि मतलब जो बजट कर रहे हैं उससे ज्यादा एक्सीड कर रहे हैं, तो कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है, कौन सी कंट्री में ज्यादा हो रहा है, कौन से वीपी के द्वारा हो रहा है। सो दिस इज द क्वेश्चन यू शुड आस्क टू योर ब्रेन व्हाइल यू आर डूइंग अ या एनालिसिस कर रहे हो प्रोजेक्ट के टाइम पे, राइट। तो मुझे ये मालूम पड़ेगा कि ये डिफरेंस आ रहा है ऑलमोस्ट 40 मिलियन डॉलर के आसपास का आ रहा है। नाउ हमने यहाँ पे ये डाल दिया ना, लेट्स नाउ व्हाट आई विल डू, एक्चुअल लेकर के मैं यहाँ पे वाई एक्सिस में डालता हूं, ठीक है। आई थिंक मैंने सब एरिया डाल दिया, सब एरिया नहीं डालेंगे हम, आईटी एरिया सिर्फ डालेंगे, अदरवाइज वो काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये किया, फंक्शनल आ गया है, इसमें डेटा नहीं दिख रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, डेटा ले लेते हैं सबसे पहले, डेटा लेबल ऑन, ठीक है, डेटा लेबल ऑन कर दिए। अभी वहां पे एक वो दिख रहा था ना, लाइन भी ले लेते हैं, क्या था हमारा इसमें, सेकंड था लाइन पे वाई एक्सिस, तो यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा, इसका भी डेटा लेबल ऑन कर देते हैं। आई थिंक इसका भी ऑन ही है, लेकिन सब क्या हो रहा है ना, बिलियन में आ रहा है, तो बिलियन में हमको समझ में नहीं आ रहा है। सो व्हाट विल डू, विल गो टू दिस विजुअल्स, डेटा लेबल है, इसमें जा करके हम इसको क्या करेंगे, वैल्यूज को ऑटो की जगह पे आई विल कन्वर्ट इनटू मिलियंस, तो सब क्या हो जाएंगे, मिलियंस पे कन्वर्ट हो गए। सिमिलरली एक्स एक्सिस में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबके लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, वाई एक्सिस के लिए सॉरी। तो यहाँ पे वैल्यूज में आकर के मैं इसको भी क्या करता हूँ, मिलियंस में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो 300 मिलियन डॉलर, उसमें से 265 मिलियन डॉलर के आसपास एक्चुअल में स्पेंड हुआ है, एंड इनका प्लान था 20 जो भी है 2,90,000 मिलियन डॉलर के आसपास स्पेंड, मतलब एक्चुअल प्लान था लेकिन स्पेंड इतना हुआ है, ठीक है। लेकिन उसमें तो हमको कुछ ब्यूटीफुल स्टेप इस तरीके का दिख रहा, तो इस तरह से कैसे बनाना है, राइट, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन। सो वट आई विल डू, आई विल गो हियर, और हम क्या, कुछ नहीं यहाँ पे, वी आर नॉट अ डिजाइनर, वी आर अ एनालिस्ट, राइट। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा ये वाई का था ना, सेकेंडरी वाई एक्सेस, सेकेंडरी वाई एक्सेस ऑन करते हैं, सॉरी इस पे जाते हैं, एंड सॉरी सॉरी सॉरी, इसको ऑफ कर देते हैं, फिलहाल लाइन पे जाना है। तो यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे राउंड की जगह पे ना, यहाँ पे लीनियर की जगह पे मैं इसको स्टेप कर दूंगा, जैसे स्टेप करूंगा तो आप देखोगे स्टेप बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉलिड था तो इसको मैं डॉटेड कर दूं तो डॉटेड आ जाएगा अभी, लेकिन वो इमेज और ये इमेज में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है ना, आपको दिख रहा रहेगा, क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई फिल्टर ही नहीं लगाया, ये पूरे के पूरे जितनी कंट्री सबका ले लिया है। तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे एक ना फिल्टर लगा देते हैं आपके लिए फिलहाल। सो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक फिल्टर, हम करने वाले हैं फिलहाल एक यूरोप कंट्री का, हम जानना चाहते हैं कि स्पेंड क्या है भाई। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, कंट्री ले लेते हैं, कंट्री बाय रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये राइट,
यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम ले लेते हैं सेल्स बाय रीजन। तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा राइट। अगर हम कंट्री बाय रीजन लेंगे तो बहुत सारी कंट्री आ जाएंगी। तो हमने यहाँ पे करके सेल्स बाय रीजन कर लिया, मतलब कॉन्टिनेंट जैसा ले लिया है राइट। लेकिन ये हमको ऐसा नहीं चाहिए, तो इसको हमको ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ करके वर्टिकल को मैं क्या करूंगा, ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट करूंगा। सो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यूरोप ले लेते हैं। यूरोप के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब आपको कुछ उस तरीके का दिख रहा है, 50 पॉइंट। अब ये यूरोप का दिखा रहा है, यूरोप में प्लान इतना हुआ था लेकिन स्पेंड इतना हुआ है। अलग अलग कंट्री, अलग अलग कॉन्टिनेंट का आप जो रीजन है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका कलर हम चेंज करना है, तो कुछ नहीं, यहाँ जा करके आप कॉलम को है इसको, इसके जगह पे आप ये कलर कर दो जो वो लग रहा था, ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा। सेम अगर लाइन को करना है तो लाइन भी जा करके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, हमारा काम ये बिल्कुल नहीं है, ये डिजाइनर लोग आपके लिए करके उनका काम है, वो करके देते हैं। हमारा काम है सिर्फ इनसाइट जनरेट करना। तो यहाँ से मैं क्या क्वेश्चन सॉल्व हुआ हमारा, कि एक्चुअली में प्लान कितना किया गया था और कितना स्पेंड हुआ, ये जो दे रहा है आपका यूरोप में जो ये आईटी एरिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बीयू सपोर्ट, फंक्शनल गवर्नेंस एंड ये जो इवेंट है, उसमें प्लान कितना किया गया था और स्पेंड कितना हुआ है राइट। तो वो उनके ऊपर फोकस करें कि भाई किसके ऊपर किस में है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये फंक्शनल जो दिख रहा है वो थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है, एक्चुअली इतना स्पेंड हुआ है लेकिन जो बजटेड था उससे ज्यादा था। सो ये जो एरिया है, बिजनेस यूनिट जो है, बिजनेस एरिया, ये आईटी एरिया, ये एक डिपार्टमेंट बेहतर कर रहा है, ठीक है। बाकी सब में देखो सब एक्सीड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो वी आर एबल टू सॉल्व दिस फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले, ये क्वेश्चन है आपका कि आपको डिफरेंट बिजनेस एरिया दिखाना है, जितना भी है, बीयू, डिस्ट्रीब्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ऑफिस एंड जो भी हमने आरएनडी सर्विस स्टार्टिंग में जो 7 देखे थे ना, उसमें आपको पीरियड वाइज बताना है कि कहाँ पे प्लान किया गया था, एक्चुअल में कितना स्पेंड हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे में सबसे नीचे कौन है, सबसे ऊपर कौन है, यहाँ पे वन, वन का मतलब जनवरी या मंथ वन, फिर यहाँ पे टू दिख रहा रहेगा, फिर थ्री दिख रहा रहेगा। तो कौन से मंथ में सबसे कम स्पेंड हुआ है एक्चुअली में, और सबसे हाईएस्ट कौन से मंथ में स्पेंड हुआ है, वो आपको यहाँ से मालूम पड़ रहा है। तो ये कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हम बनाएंगे एक्चुअल बाय पीरियड एंड बिजनेस एरिया, कौन से पीरियड में सबसे ज्यादा स्पेंड हुआ और कौन से बिजनेस एरिया में सबसे ज्यादा स्पेंड हुआ है एक्चुअली में, एक्सपेंस अकर हुआ है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हमारा ऑलरेडी बन चुका था, इसको हम ऐसा कर देते हैं। नाउ विल मेक दैट, उसके लिए हम क्या लेंगे, एरिया चार्ट, किधर है आपका एरिया चार्ट। तो हमने यहां से ये ले लिया है। तो हमारा सबसे पहले है कि क्या लेना है, यहाँ पे पीरियड हमारा था, पीरियड यहाँ पे आपको बता दे तो क्या था हमारा, 1 2 3 आपको याद होगा, मतलब डेट के अंदर था तो ऑलरेडी डिफाइन किया गया। तो इसको मैं एक्स एक्सिस पे डाल दूंगा जिससे मुझे मंथ 2 3 4 5 जो भी यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड मेरा क्या था, बिजनेस एरिया, बिजनेस एरिया मैं इसको क्या करूंगा, वाई एक्सिस पे ले लूंगा, ठीक है, सॉरी लेजेंड पे ले लेंगे। तो लेजेंड में हमने ले लिया है। अब किस चीज से दिखाना है, तो एक्चुअल से, कि एक्चुअल स्पेंड कितना हुआ है। तो एक्चुअल उठा करके मैं वाई एक्सिस में डाल दूंगा। सो यहाँ पे आप देखोगे कि एक मस्त में एक अच्छा खासा चार्ट क्रिएट हो गया है। तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि कौन से मंथ में कौन सी बिजनेस एरिया में कितना एक्चुअल में एक्सपेंस अकर हुआ है, कौन से मंथ में कितना, सेकेंड मंथ में कितना हुआ है, थर्ड मंथ में कितना हुआ है राइट। सबसे लोअर आपको दिख रहा रहेगा ये कौन सा है, जो येलो कलर का है, वो बिजनेस यूनिट में सबसे कम एक्सपेंस या जो भी है अकर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सब डाल दिया, लेकिन अभी हमको दिखाना है किससे, एक्चुअल से। तो मैंने एक्चुअल यहाँ पे सर्च किया और एक्चुअल को मैं डाल देता हूँ वाई एक्सिस पे। तो देखो एक ब्यूटीफुल चार्ट क्रिएट हो गया है, रिबन चार्ट जैसा दिख रहा है राइट। सो यहाँ आपको मालूम पड़ेगा कि कौन से मंथ में कौन से बिजनेस एरिया में कितना एक्चुअली में एक्सपेंस अकर हुआ है, ठीक है, जो भी मतलब कॉस्ट है या जो भी कितना इन्फ्लेशन हुआ है। तो ये आपको यहाँ से मालूम पड़ जाएगा, आसानी से आप कंपेयर कर पाओगे। तो ये हमने सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व किया इस प्रोजेक्ट का राइट। नाउ मूविंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन, सबसे पहले उसको समझेंगे। यहाँ पे अच्छा खासा एक आपको दिख रहा रहेगा फील्ड मैप है, ठीक है। फील्ड मैप के ऊपर मैं जो होवर करता हूँ तो आपको पता होगा कि डायरेक्टली ड्रॉप करते तो आ जाता था सेल्स, लेकिन यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज क्या दिया हुआ, वेरियंस प्लान परसेंटेज। इसका मतलब क्या है, पहले मैं वो समझा देता हूँ। जर्मनी, यूरोप रीजन हमने ऊपर सेलेक्ट किया है,
और यहाँ पे क्या, जर्मनी 33.54% वेरियंस प्लान, मतलब जर्मनी के लिए जो बजट फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का था, उसमें 33% का डिफरेंस है। अगर ये प्लस है, इसका मतलब 33% ज्यादा स्पेंड हुआ है वहां पे। तो आप अलग अलग जैसी रीजन में जाओगे, फ्रांस -7.48%, मतलब जो प्लान किया गया था उससे 7.48% लोअर एक्चुअल अकर हुआ है। मतलब अगर 100 रुपया, 100 रुपए का प्लान था कितना स्पेंड होगा साल के एंड में, प्लानिंग किया गया था, बजट किया गया था, लेकिन एक्चुअल में जो खर्चा हुआ वो 92 रुपीज 58 पैसा, राइट, इतना खर्चा हुआ है, राइट। तो यहां से ये मालूम पड़ रहा है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, एक डैक्स लिखना पड़ेगा ये बनाने से पहले। तो उसको कैसे लिखेंगे वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले वेरिएंस आपको पता होगा एक्सेल पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए माइनस बी डिवाइड बाय बी, ऐसा करते हैं ना। तो हमको एक्चुअल माइनस प्लान डिवाइड बाय प्लान, क्योंकि एक्चुअल तो आपको मालूम है कि वो अकर होगा, प्लान तो आपने प्लान किया है कि ऐसा होगा, राइट। सो उसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आ जाते हैं यहाँ पे एंड विल स्टार्ट राइटिंग सिंपल डैक्स, यहीं पे ले लेते हैं, न्यू मेजर लिखते हैं कि वेरिएंस, ये क्या हो रहा है ना, वेरिएंस एनालिसिस हो रहा है, वेरिएंस एनालिसिस हो रहा है, डिफरेंस, राइट, कि उस कंट्री में या उस रीजन में कितने परसेंटेज से चेंज आया था, ठीक है। सो बेसिकली द क्वेश्चन इज शो अ फील्ड मैप वेयर द परसेंटेज ऑफ वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल एंड प्लान, ठीक है, कि आपने प्लान इतना किया था लेकिन एक्चुअल इतना स्पेंड हुआ, तो कितने परसेंटेज का चेंज है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएंस प्लान परसेंटेज इक्वल्स टू कैलकुलेट कैलकुलेट एक्चुअल, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था आई थिंक एक्चुअल माइनस प्लान। अब ये मुझे क्या देगा ना, ये सिर्फ एक वैल्यू दे देगा, ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट टर्म में एक डिफरेंस कर दे, एक्चुअल माइनस प्लान को हमने माइनस कर दिया ऊपर न्यूमरेटर को, अब उसको हमको डिनोमिनेटर से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे वेरियंस प्लान नहीं आएगा, इसको हमको वेरियंस प्लान लिखना पड़ेगा, वेयर प्लान, ठीक है। तो ये हमारा एब्सोल्यूट टर्म है, ये आ गया। नेक्स्ट डैक्स क्या आएगा हमारा, वेयर प्लान परसेंटेज, वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वेयर प्लान परसेंटेज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड, आपको डिवाइड फंक्शन में यहाँ पे बताता हूँ। न्यूमरेटर में क्या आएगा, जो हमने वेयर प्लान अभी रिसेंटली कैलकुलेट किया है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, हमारा सिर्फ प्लान आएगा, ठीक है, एंड इसको ब्लैंक, हमको कोई मॉडल वो नहीं चाहिए, रिमाइंडर्स इसको क्लोज करते हैं। तो ये हमारा ये भी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये भी आपका क्या आ गया ना, एक डेसिमल पॉइंट्स के अंदर आएगा, तो हमको डेसिमल पॉइंट में भी नहीं चाहिए। तो जैसे ही कैलकुलेट होता है इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये परसेंटेज है हमारा, ठीक है। सो हमने यहाँ पे डैक्स कैलकुलेट कर लिया, अब हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फील्ड मैप ले लेंगे, यहाँ पे फील्ड मैप में क्या डालना है मुझे, कंट्री रीजन लोकेशन में हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा सेल्स रीजन के अंदर यूरोप सेलेक्ट है, तो यूरोप का वो दिखा देगा। नाउ व्हाट विल डू, विल टूल टिप के अंदर हमको सिर्फ ऐड करना रहेगा जो वेरिएंस प्लान हमने डाला है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, वेरिएंस प्लान बाय कंट्री रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं, आप देखिए जूम कर दिया हमने, अभी आप देखोगे स्वीडन का है, इज ग्रेटर देन, रूल्स में फील्ड वैल्यू के अंदर में आप यहां पे क्या लोगे, वेयर प्लान परसेंटेज, सॉरी फील्ड ये लेंगे, यहाँ पे लोएस्ट के लिए आपको जो कलर रखना है हाईएस्ट के लिए रखना है, आप कर सकते हो, ओके करोगे तो आपको वैसा कलर दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये अभी चेंज हो रहा है यहाँ पे, देखो अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो हमने ब्लू कलर पकड़ा था तो ब्लू कलर आ गया, ब्लू कलर हटा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम ले लेते हैं ये कलर, ठीक है, एंड इसके लिए ले लेते हैं और हाई कलर, दोनों सेम ही हो गया, थोड़ा सा इसको हम लाइट कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपको दिखाई देगा सेम टू सेम उसकी तरह, ठीक है, वैसे ही आपका बन गया। तो आप यहाँ पे क्या हो, एक रेंज क्रिएट करके दिया, जहां पे ज्यादा
डिफरेंस है वहां पे, एकदम हाई इंटेंसिटी जहां पे लो डिफरेंस, वहां पे लो इंटेंसिटी अगर आपको नजर आएगा। तो हमने यहां से थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया कि जहां पे वेरिएंस दिखाना था कंट्री वाइज, उस कंट्री के अंदर में कितना प्लान किया था और एक्चुअल से कितना एक्सीड हुआ या कम हुआ है। ठीक है, तो यहां से हमने ये सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डीकम्पोजिशन, मतलब क्या है ना कि यहाँ पे आपको दिख रहा है एक सिगरेट जैसा चार्ट, अब ये कैसे क्रिएट करना है वो हमको बनाना है। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या है ना कि ओवरऑल यूरोप के लिए जो प्लान किया गया था अराउंड ये जो वैल्यू इतना प्लान किया गया था। ठीक है, लेकिन कौन से मंथ में कितना स्पेंड हुआ वो कैसे मालूम पड़े, कौन से पीरियड में, 12वें महीने में इतना स्पेंड हुआ, 11वें महीने में इतना स्पेंड हुआ, 9वें महीने में इतना स्पेंड हुआ, मतलब फर्दर आप ब्रेक डाउन कर रहे हो, ब्रांचेस निकाल रहे हो, तो ये कैसे बनाएंगे। ठीक है, वो हमको जानना है। तो इसको क्रिएट करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल हम जाएंगे हमारे चार्ट पे और हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको एक यहां पे आना है, एनालाइजर करके आपको दिखाई देगा यहां पे ये। ठीक है, डीकम्पोजिशन ट्री इसको ले लेंगे। इसमें हमको क्या करना है, किससे एक्सप्लेन करना है, सेल्स बाय रीजन, यहाँ पे सेल्स बाय रीजन डाल देते हैं। एंड इसमें और क्या दिखाना है आपको, सॉरी ये रॉन्ग है, यहाँ पे पहले सबसे पहले आपको जो वेयर प्लान है वो लेना पड़ेगा, टोटल स्पेंड कितना है, मेरे को ये वैल्यू को एनालाइज करना है, जो ये वैल्यू आया अराउंड 70 जो भी इस मिलियन डॉलर के आसपास है, इसके लिए जो आया है वो फर्दर बाइफर्केशन फॉर यूरोपियन रीजन, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रीजन वाइज एक्सप्लेन करो, यहाँ पे हमने किया। ठीक है, उसके बाद मैं कह रहा हूँ क्या पीरियड कि मंथ वाइज भी मुझे बताओ पीरियड, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ पीरियड भी ले लेता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये मेरा क्या होगा ना, ये क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे देखो ये क्रिएट नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, तो यहाँ पे देख रहा प्लस साइन, इसको आप ओपन करो, इस पर क्लिक करो एंड सेलेक्ट करो। सर मुझे क्या सेल्स रीजन चाहिए, सेल्स रीजन में क्या जो ऊपर में सेलेक्टेड है वो आ जाएगा आपका ऑटोमेटिकली, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पे सेल्स रीजन यूरोप के अंदर में ये हमारा प्लान किया गया था, वेनस प्लान से कितना डिफरेंसेस है। उसके बाद इसको फिर से फर्दर करोगे कि ये पूरा पीरियड वाइज पूरे 12 महीने या जो भी ईयर, यहाँ पे ईयर सेलेक्ट नहीं किया, तो सारे के सारे ईयर्स ले रहे, 2011, 12, 13, 14 सब ले रहा है। ठीक है, आप फिल्टर लगा करके वहां पे वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा वो जो डायग्राम है सेम टू सेम वैसा क्रिएट हो गया, यहाँ पे देखो एक लाइन आया है एंड उसके जैसा आ चुका है। ठीक है, सेम टू सेम आप कलर चेंज करोगे तो कलर चेंज हो जाएगा, आपको जैसा चाहिए फॉर्मेटिंग करना आप अपने फ्रंट एंड वाले डेवलपर से जाकर के ये इमेज करा सकते हो। ठीक है, हमारा काम है इनसाइट जनरेट करना। तो शो अस अ बाइफर्केशन बाय अ मंथ जहां पे जो वेरिएंस प्लान है, जो ओवरऑल प्लान किया गया था उसमें से कौन से मंथ में कहां कितना कितना स्पेंड हुआ है ये आपको बता रहा है। ठीक है, मतलब रूट से अलग अलग। तो हमने यहां से ये भी सॉल्व कर लिया, आप चाहो तो सर कलर भी चेंज कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन वेरिएंस एनालिसिस, जहां पे हम वेरिएंस एनालिसिस करने वाले हैं उसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए, रीजन वाइज, कंट्री वाइज, बिजनेस एरिया वाइज, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले ये चार कार्ड दिख रहे हैं ना, इसको समझेंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे क्या कह रहा है। यहाँ पे लिखा है वेरिएंस एली 1%, इसका मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल हर साल एक साल के अंदर चार क्वार्टर होते हैं, तो क्वार्टर वन जैसे कि इंडिया में क्वार्टर वन आपका जून होता है, यूएसए यूएस कैलेंडर अगर फॉलो करेगा तो क्वार्टर उनका जनवरी से चालू होता है, जनवरी फरवरी मार्च ये क्वार्टर वन हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल जनवरी से लेकर के मार्च तक अगर हम बात करें तो आपने एक एस्टिमेशन दिया रहेगा, ओवरऑल तो आपका बजट 100 मिलियन डॉलर का पूरे साल का, लेकिन उस क्वार्टर के लिए आपने रखा था 25 मिलियन डॉलर के आसपास। ठीक है, तो वो आपका लेटेस्ट एस्टिमेट था कि 25 मिलियन डॉलर के आसपास आप स्पेंड करोगे, जैसे आपको उस टाइम जो एक्टिविटी उस में नजर आ रहा था, जो भी कॉस्ट एलिमेंट आपको दिख रहा था, लेकिन एक्चुअल में कितना स्पेंड हुआ क्वार्टर वन में, लेटेस्ट एस्टिमेट वन, ठीक है, वो मैं जानूंगा। एंड मैं ऑल्सो आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द ओवरऑल डिफरेंसेस, राइट। यहाँ पे एक वेरियंस प्लान परसेंटेज आप देखोगे तो ये ओवरऑल डिफरेंस मतलब कितना पूरे साल का परसेंटेज दिखाएगा। ठीक है, तो हम ये सारा का सारा तीनों कैलकुलेट चारों कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आ जाते हैं हमारे यहाँ पे एंड विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा, जैसे हमने क्या किया था आपको याद होगा, एक्चुअल निकाला था, ठीक है, एक्चुअल के बाद प्लान निकाला था, फिर वेरियंस प्लान परसेंटेज निकालने के लिए हमने क्या कैलकुलेट किया था, वेयर प्लान। तो वेयर प्लान के लिए हमने क्या किया था,
एक्चुअल माइनस प्लान। अब यहाँ पे क्या आ गया, एक्चुअल माइनस लेटेस्ट एस्टिमेट वन। अब लेटेस्ट एस्टिमेट वन कैसे बोल पा रहा हूं, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डेटा टेबल व्यू में, डेटा टैब में। वहां पे अगर आप जाओगे, यहाँ पे आपको नजर आएगा कहाँ पे सिनेरियो, यहाँ पे क्या लिखा है लेटेस्ट एस्टिमेट वन, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा। जैसे यहाँ पे एक्चुअल करके निकाला था उसी तरह आपको ये सब निकालने पड़ेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सब मेजर्स लिखने पड़ेंगे, लेटेस्ट एस्टिमेट वन टू थ्री। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं पहले कि सिर्फ लेटेस्ट एस्टिमेट वन का मुझे बताओ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, एल ई एल ई वन इक्वल्स टू कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या, सम ऑफ फैक्ट वैल्यू, क्योंकि वैल्यू में वैल्यू किसके लिए, अभी तो एक्चुअल नहीं है ना, अभी आपका क्या करोगे सिनेरियो डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू, अब आपको पूरा लिखना पड़ेगा लेटेस्ट जैसा था उसमें एज इट लेटेस्ट एस्टीमेट, होप द स्पेलिंग इज करेक्ट वन। ठीक है, अगर ये करेक्ट है लेट मी एंटर, अगर करेक्ट है तो आ जाएगा एली वन। तो सिर्फ ये एली वन का बताएगा कि उस क्वार्टर में इतना ही प्लान किया गया था। ठीक है, आप पूरे साल का नहीं, सिर्फ उस क्वार्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उस क्वार्टर में इतना स्पेंड हो गया, मतलब करेक्ट स्पेलिंग है। अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा और ऐसे मुझे तीन लिखने पड़ेंगे सबसे पहले, एली वन एली टू एली थ्री। तो हम ये सारा का सारा फटाफट लिख के ले लेते हैं। सो यहां पे हम क्या करते हैं एली टू, और यहां पे भी हम सिर्फ एली टू करेंगे। तो अभी जो हम कर रहे हैं ये एक तरह से थोड़ा सा लेवल आपका आप कर रहे हैं, इसके बाद और एडवांस होगा, उसके बाद और एडवांस होगा। ठीक है, हमने सेकंड के लिए भी कर लिया, अब थर्ड के लिए भी करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल तीन एस्टिमेशन थे अगर आपको याद होगा एक्चुअल प्लान को छोड़ करके। तो एली थ्री भी लिख लेते हैं, ओके रीनेम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमने तीन तक क्रिएट कर दिया, तो हमने यहाँ पे एल ई वन एल ई टू एल ई थ्री कैलकुलेट कर लिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना है वेरिएंस, वेर एल ई वन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे जा करके न्यू मेजर्स, यहाँ पे वेर एल ई वन इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट एक्चुअल उस क्वार्टर में स्पेंड माइनस लेटेस्ट एस्टिमेट वन। तो हमको मालूम पड़ेगा लेटेस्ट एस्टिमेट इतना था, उसमें से इतना स्पेंड हुआ, एक्चुअल इतना स्पेंड हुआ, लेकिन हमारा इतना एस्टिमेशन था, प्लस था कि माइनस था वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो वेयर एली वन हम निकाल लिया, इसको कॉपी करके वेयर एली वन एली टू ये भी निकालना पड़ेगा। तो जितनी बार है आपको उतना क्रिएट करना पड़ता है, इसको हम वेयर एली टू, यहाँ पे हम क्या करते हैं एली टू डाल के इसको एंटर करते हैं। फिर से एक मेजर लेंगे थर्ड एली थ्री के लिए, क्योंकि हम डिफरेंस निकाल रहे ना, उसके बाद परसेंटेज आएगा डायरेक्टली, तो आएगा नहीं थ्री, और इसको एंटर करते हैं थ्री। एंड नाउ वी आर ऑलमोस्ट गेटिंग रेडी फॉर फर्दर एनालिसिस, या जो भी आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना बनाना है, तो हमने ये बना लिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है हमको, एक और मेजर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेयर एलई वन, वेयर एलई वन लेकिन परसेंटेज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करूंगा डिवाइड, डिवाइड डिवाइड में क्या, वेयर एलई वन, न्यूमरेटर में क्या, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या एली वन। ठीक है, एली वन, फिर ब्लैंक और ये वन। तो हमारा ये क्या हो गया, सो हम कॉपी कर लेते हैं कैलकुलेटर।
तो वेयर LE1 हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर दिया, सिमिलरली आप क्या करो वेयर LE2 कैलकुलेट करना, 3 कैलकुलेट करना, फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो काफी लेंदी होते जाएगा। मेन काम है कि आपको समझ में आ गया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, कि ऐसे क्रिएट करना पड़ता है, एक चीज बनाने के लिए इतनी सारी चीज करनी पड़ी मुझे। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ कार्ड एंड सिंपली आई विल LE1 परसेंटेज को डाल देते हैं। तो अब हम करते हैं क्रिएट करना कार्ड, तो यहाँ पे हम कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या डालेंगे, सबसे पहले वेयर LE1 परसेंटेज, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऑलरेडी जो क्रिएट किया है हमने, और यहाँ पे ब्लैंक शो कर रहा है, तो ब्लैंक क्यों शो कर रहा है वो हम चेक करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमको पहला डैक्स देखना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्लैंक आ रहा है, एक और कार्ड लेते हैं, सबसे पहले हम LE1 को ही चेक कर लेते हैं, जो लेटेस्ट एस्टिमेट था वो हमारा प्रॉपर था क्या, ये भी ब्लैंक दिखा रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि स्पेसिंग दे दिया हमने, ये स्पेसिंग नहीं था उसके अंदर में, तो उसकी वजह से आई थिंक नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर इंटर करता हूँ, तो अगर वो अगर सही रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप देखो बाकी का भी कैलकुलेट हो जाएगा मोस्टली। तो आप देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिंग डाल दिया था, उसके वजह से ये नहीं आ रहा था, तो हमारे यहाँ पे LE1 का वेरियंस परसेंटेज आ गया, जो एक्चुअल उस क्वार्टर में 6% ज्यादा खर्चा हुआ है, राइट, जो बजट था उससे ज्यादा खर्चा हो गया है, एक्चुअल में इतना स्पेंड हुआ है, और LE1 ये 8.9 मिलियन डॉलर के आसपास है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। सिमिलरली हमको क्या करना था, किसी को कॉपी कर लेना, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। हम कार्ड बना रहे, डिजाइन तो आप भी कर लेना, इसमें क्या डालूंगा मैं, इसमें से हटा करके डायरेक्टली वेयर प्लान परसेंटेज ओवरऑल पूरे के पूरे, तो 5.85% का दिखा रहा है। सिमिलरली Ctrl+C Ctrl+V हमारा LE2 के लिए, तो इसको मैं हटा करके क्या करूंगा, वेयर LE2 परसेंटेज डाल देते हैं। अच्छा, 2 हमने कैलकुलेट नहीं किया था क्या, तो 2 को भी आप क्या करना, इसी तरह Ctrl+C पूरा कर लो, यहाँ पे एक न्यू मेजर में जा करके न्यू मेजर क्रिएट करो, और यहाँ पे LE2 कर दो बस, और कुछ नहीं, राइट। यहाँ पे LE2 कर देंगे, राइट, यहाँ पे LE2 कर देता हूँ, यहाँ पे भी आपको जहां जहां लिखा है 1 उसको सिर्फ अप 2 कर दो, आपके समझने के लिए आसानी करने के लिए हमने इस तरह से लिखना पड़ता आपको, ठीक है। तो आप जैसे ही लिखोगे आप देखोगे यहाँ पे वो क्रिएट हो गया है, एंड सिंपली आई व्हाट आई हैव टू डू, सिंपली आई विल बी पुटिंग हियर दिस, ओके। ये भी ब्लैंक आ रहा है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया है, सेम यहाँ पे स्पेसिंग का इश्यू रहेगा, ये रहा, राइट। तो ये बारीकी चीज है, आपको देखना है, कभी कभी हम उसको ढूंढते बैठते क्यों ब्लैंक आ रहा है, क्यों ब्लैंक आ रहा है, तो ये सब चीज आपको नोटिस करना है, ठीक है। यहाँ पे 0.0 के आसपास दिखा रहा है, तो इसमें डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, तो कहाँ गया ये, आई थिंक डेसिमल में कन्वर्ट नहीं है, अभी शायद आएगा, तो ऐसा लगता है कि आपका रॉन्ग आ रहा है, पर ऐसा नहीं रहता, आपको बारीक सी चीज देखनी पड़ती, कभी कभी डॉलर में दिखाई देगा तो डॉलर के लिए आप परेशान रहोगे, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया ना, कार्ड क्रिएट कर लिए, ओवरऑल वेरियंस प्लान परसेंटेज लेटेस्ट क्वार्टर 1 के लिए, क्वार्टर 2 के लिए, ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर के लिए, राइट, हमने यहाँ पे ये वेरियंस एनालिसिस बेसिक कर लिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, आप चाहो तो LE3 का भी निकाल लेना, सेम ऐसी करना आपको, नथिंग एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो वेरियंस प्लान बाय कंट्री रीजन, मतलब ये क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, मैं फ्रेज कर रहा हूं आपके लिए, कि वो कंट्रीज शो करो जहां पे प्लान किया गया था 100 रुपए लेकिन खर्चा हुआ सिर्फ 40 रुपए, या एक्चुअल में खर्चा हुआ 200 रुपए, राइट, उसको आपको हाईलाइट करना है। एट द सेम टाइम आपको ये एक वो भी दिखाना है कि कौन सी, जैसे USA में दिखा रहा है कि वे लोगों ने जो बजट किया था ना उससे ज्यादा एक्सीड कर गया, ये कैसे हुआ, राइट, दैट इज वी हैव टू आइडेंटिफाई। आप कंट्री वाइज कर सकते हो और बिजनेस एरिया वाइज करना है, तो पहले हम कंट्री वाइज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम कंट्री वाइज ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, वहां पे, मतलब क्या करना है, यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले क्या करना है आपको, स्टैक कॉलम चार्ट ले लीजिए, ये सिर्फ स्टैक बार चार्ट या कॉलम चार्ट, व्हाट एवर यू नेम इट। यहाँ पे क्या करना है, कंट्री रीजन ले लेना है आपको, यहाँ पे मैंने कंट्री रीजन डाल दिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे वेयर प्लान, नथिंग एल्स, वेयर प्लान यहाँ पे लेकर के मैं डाल देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा क्या, कि मुझे यहाँ पे सब नजर आ रहे हैं A to Z, थोड़ा मैं इसको ऊपर छोटा कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा फिर हमारा, अदरवाइज काफी छोटा नजर आएगा,
इसके वैल्यूज को ऑन कर देते हैं। कहाँ से ऑल करना है, डेटा लेबल ऑन, कलर चेंज करना, कलर चेंज करो। यहाँ पे आप देखो यूएसए का 43 मिलियन दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे और कहीं कहीं पे माइनस भी दिखाएगा, आपको दिख रहा रहेगा माइनस में, मतलब यहाँ पे हमने जो बजट प्लान किया था ना उससे कम स्पेंड हुआ है, और यहाँ पे जो हमने बजट प्लान किया था ना उससे ज्यादा एक्सीड किया है। तो ये सारी कंट्रीज के ऊपर, मैनेजर के ऊपर आप मीटिंग बैठा होगे कि भाई किस तरह से आपने बजट किया था, किस तरह से प्लान किया था, मतलब आपका प्लानिंग करना और एस्टिमेशन करना, बजटिंग करना, कुछ तो प्रॉब्लम है, ये चीज आपको आइडेंटिफाई करना। वहीं पे इन सब के लिए तारीफ की जाएगी क्योंकि आपने सही बजट किया था, उससे कम स्पेंड हुआ, और ऐसा भी नहीं कि बहुत कम स्पेंड हुआ और आपने ज्यादा एस्टिमेशन दिया था, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये है जो प्रॉपरली एस्टिमेट किए थे कितना था, 100 रुपए, तो 100 रुपए से 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू सी एज अ डेटा एनालिस्ट। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक बार नहीं दिख रहा है जो जैसा दिख रहा था, तो ये बार पे जाओ, यहाँ पे आपको एक कंडीशनल लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कंडीशन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे रूल्स के जगह मैं क्या करता हूँ, ग्रेडियंट्स ले लेते हैं। ग्रेडियंट्स में मैं क्या ले लूंगा, वेयर लोएस्ट को हम ये कलर रखें, या फिर आप चाहो तो मैं ये कलर रखता हूँ ताकि सेम सेम नजर आए, डार्क के लिए ये रखते हैं फिर, लेकिन आप देखो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, राइट। सो माइनस जो लोएस्ट टू लोएस्ट गया है, मतलब जितना बजट किया था उससे -2.05 मिलियन डॉलर नीचे गया है, एंड हाईएस्ट में तो कुछ ज्यादा ही चले गया है, मतलब जितना एस्टिमेट किया था, प्लान किया था, उससे ज्यादा एक्चुअल में खर्चा हो गया। सो यूएसए वाले वीपी के ऊपर में बैठेगा मीटिंग अच्छा खासा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई, राइट। सो अब इसके अंदर सिर्फ टॉप दिखाना है, सो यहाँ से आप सिर्फ क्या कर सकते हो, टॉप एन दिखा दो सिर्फ, ग्रेटर देन, लेस देन, ये जो भी आपको फिल्टर करना है यहाँ पे अप्लाई करो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे वेरिएंस प्लान बाय बिजनेस एरिया। अब क्या है ना, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस एरिया थे, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये तो मुझे मालूम पड़ेगा इस कंट्री में सबसे ज्यादा हमारा प्लान खराब हुआ है, जितना प्लान के तो उससे ज्यादा खर्चा हुआ है, स्पेंड हुआ है, लेकिन कौन से डिपार्टमेंट, कौन से बिजनेस एरिया में हो वो भी हमको आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए कैसे करना है, सिंपली यहाँ पे जाना है आपको, इधर नहीं मतलब वहां जाना है, यहां पे जाकर के ये ऐसा अगर क्रिएट करना है, यहां पे आकर के हम क्या करेंगे, सेम यही चीज को कॉपी कर लेंगे, इसी चीज को सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको, एकदम रुक गया है सिस्टम, हैंग हो गया थोड़ा। सो इसी को मैं क्या करता हूं ना, कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैंने यही किया ना, कुछ नहीं किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी यहां पे लेके आया। अब यहां पे जो मेरा, यहां पे सिर्फ जो इसके ऊपर मेरा जो कंट्री था ना, कंट्री को मैं हटा कर क्या करूंगा, सिर्फ बिजनेस एरिया डाल दूंगा, बाकी मेरा ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा बिजनेस एरिया, एंड ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट एवरीथिंग। तो ये मेरा क्रिएट हो गया बिजनेस एरिया, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, राइट। तो आपको यहां से मालूम पड़ जाएगा मिलियन में रखना है, बिलियन में रखना है, जिसमें आपको रखना है आप रख सकते हो। हमने ये भी यहां से क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो आपने बिजनेस एरिया के लिए भी आपने कैलकुलेट कर लिया है कि इसमें से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे काफी ज्यादा स्पेंड हुआ है, जितना प्लान किया था उससे कई ज्यादा, और जो रीजन है वो कंट्री वो आपका यूएसए है। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, इनसाइट मिलते जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसके अंदर में हमने जो रखा है आपके लिए द फाइनल क्वेश्चन इज, कौन से मंथ में वेरियंस, अगर हमको देखना है यहाँ पे जनवरी के मंथ में बिजनेस यूनिट एरिया हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कितना परसेंटेज चेंज दिखा रहा है यहाँ टोटल में, राइट। जनवरी में 27% का डिफरेंस आ रहा है, सो यू आर डूइंग गुड, लेकिन यहाँ पे एक्सीड हो गया, यहाँ पे एक्सीड हो गया, यहाँ पे एक्सीड हो गया, मतलब दिसंबर मंथ में कुछ ज्यादा एक्सीड हो रहा है, तो ये कैसे बनाएंगे। तो ये कुछ नहीं, आपका सिंपल ये जो है आपका मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आकर के क्या करना है, मैट्रिक्स हम बना देते हैं आपके लिए, सॉरी टेबल गलती से सेलेक्ट हो गया, दो वेरिएबल्स है आपका, एक वेरिएबल, तीन वेरिएबल्स है। तो यहां पे मैं सबसे पहले तो मैं आपका पीरियड ले लूंगा, पीरियड नहीं यार मंथ लेंगे, मंथ को रोज में ले लेते हैं, जनवरी फरवरी, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे बिजनेस एरिया ले लो, कहाँ पे आपके कॉलम में ये साइड में आ जाएगा, एंड उसको डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए आपको, वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ पे क्या करोगे, वेरियंस प्लान डालना है, परसेंटेज डालना इज ऑलवेज गुड, क्योंकि एब्सोल्यूट में कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, यहां से मुझे मालूम पड़ रहा है कि बिजनेस यूनिट जो बिजनेस एरिया या डिस्ट्रीब्यूशन इज बिजनेस एरिया के अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन एक सेगमेंट है या सेक्टर है या जो भी एक डिपार्टमेंट है, वहां पे 19% का
चेंज मतलब डाउनसाइड जिससे प्लान किया था उससे 19% कम हुआ है जनवरी के मंथ में। इंफ्रास्ट्रक्चर में -4%, जो प्लान किया था उससे 4% नीचे, मैन्युफैक्चरिंग 5% नीचे। ओवरऑल जनवरी मंथ वॉज गोइंग गुड, क्योंकि जब भी कोई कंपनी प्लान करता है एक साल के लिए तो स्टार्टिंग के कुछ मंथ सही जाते हैं, लेकिन जब मिड मंथ आता है ना मई जून, वहां पे उनका जो बजट रहता है ना थोड़ा हिल जाता है, तो वो आगे भी जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे अप्रैल में ना सॉरी मई में ना 12% एक्सीड कर दिया, जो मतलब बजट किया गया था 6 महीने के लिए, उससे ज्यादा 5 महीने में एक्सीड कर गया है। तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो। सो दिस इज हाउ वी आर एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट नंबर 3, राइट। सो यहाँ से होप सो आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा, एंड मैं आपके लिए वो फाइल शेयर कर दूंगा, ओनली डेटा फाइल, नॉट दिस PBIX फाइल, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू क्रिएट। इस वीडियो को देख करके सीखना चाहिए आपको किस तरह से मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आपके लिए बनाया और कैसे मैंने उसको सॉल्व किया। इसके बाद जो होगा दैट विल बी एडवांस लेवल टास्क, दैट विल बी आई थिंक 10-12 वीडियोस रहेंगे, काफी एडवांस लेवल करेंगे, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा आपके लिए प्रोजेक्ट 4 भी लेकर के आऊं, जो और एडवांस लेवल करेगा, उसमें भी आई थिंक 10-12 लेक्चर उसमें भी रहेंगे। थैंक यू सो मच।